गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का मेरा क्लास है करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। ये आपको सर्किट को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, अभी तक जितने भी चैप्टर चल रहे हैं ना, सारे आपके बेसिक्स हैं। अब तक किसी सर्किट को फाइंड आउट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए ये सारे बेसिक हिस्से हैं। कोई भी क्वेश्चन में अगर कहीं अटक रहे होंगे तो कहीं ना कहीं करंट डिवीजन रूल नहीं है पता, करंट सोर्स कहीं पे कैसे काम करता है, क्या वोल्टेज सोर्स से किसी दूसरे करंट सोर्स का करंट गुजर सकता है कि नहीं गुजर सकता, तो ये सब चीजें अभी भी बाकी है जिसके कारण कई क्वेश्चन आपके अटक सकते हैं, क्योंकि ये सब बेसिक पार्ट है और एक दिन में बेसिक को नहीं कवर किया जा सकता। अभी तक के सारे लेक्चर को जिस तरीके से मैंने कवर किया, मैं जिस दिन बोल दूंगा ना कि मेस एनालिसिस तक हमारा कंप्लीट है, समझो उस दिन तक आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मेश एनालिसिस तक जो है एक तरीके से बेसिक हम समझते हैं, नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस में हमारे पूरे बेसिक चीजों का यूज हो जाता है, उसके बाद अपन थ्योरम्स वगैरह पे जाते हैं या फिर ऐसी एनालिसिस को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक यही दिमाग में रहे, ये जो भी चीजें हैं ये चैप्टर वाइज भला ही अलग होता जाए बहुत जगह, लेकिन ये सारे बेसिक्स पॉइंट्स हैं, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। जैसे कि सबसे पहले नाम से आप दिमाग में रखिए कि करंट डिवीजन मतलब कि करंट जहां बंट रहा हो उसका, और वोल्टेज डिवीजन जहां पे वोल्टेज बंट रहा हो, नॉर्मल बात है। अब समझिए करंट डिवीजन रूल में क्या चीज है, तो आप समझिएगा अब तक जो हमने डिवीजन करा, ये समझिएगा, सोचिएगा थोड़ा सा, अब तक जो हमने डिवीजन करा तो जब करंट यहां पे 10 एम्पियर आता था, समझिएगा बिल्कुल 10 एम्पियर आता था, तो मैं समान वैल्यू लेता था तो समान करंट ही गुजर जाता था, यहां पे 5 तो यहां भी 5, दोनों मिलके 10 पूरा हो गया, केसीएल यहां पे लग गया, ये चीज होता था। हमने कभी नहीं यहाँ 10 ओम लिया यहाँ 25 ओम लिया, ऐसा नहीं किया अभी तक। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैंने कभी करंट डिवीजन रूल ही नहीं आपको बताया, चीजें क्लियर। तो जब करंट डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में बटना शुरू करता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में करंट जब बटना शुरू करता है, तो जरूरी है वहां पे करंट डिवीजन रूल हो, ताकि चीजें आपको पता हो करंट डिवीजन रूल, जिससे कि चीजों को आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही आएगा वोल्टेज डिवीजन रूल। सपोज दैट एक सर्किट रेजिस्टेंस यहां है और एक यहां है, है ना, और यहां पे कोई वोल्टेज सोर्स वी है। सपोज दैट, अभी समझिएगा मैं बता रहा हूं चूंकि फॉर्मूला बताया नहीं, है ना, ये है देखिए इस तरीके से, तो यहां वोल्टेज और यहां वोल्टेज, ये वोल्टेज मैंने बोला कि केवीएल क्या कहता है, किसी लूप में जितना ये डिलीवर करेगा उतना ही कंज्यूम होगा। अगर यहां 10 वोल्ट है तो ये दोनों मिलकर 10 वोल्ट होगा, तो अगर ये 5 वोल्ट है तो श्योर यहां भी कितना खर्च हो रहा होगा, 5, तो 5-5 मिलकर 10 कंज्यूम कर रहा है, 10 डिलीवर कर रहा है। लेकिन अभी तक तो ये तब बताए जब दोनों रेजिस्टेंस समान है, अगर दोनों रेजिस्टेंस अलग हो, ये आर हो या 2R हो, तो किस रेशियो में, तब ये वोल्टेज का रेशियो नहीं रहेगा, यहां कुछ और वोल्टेज होगा, यहां कुछ और वोल्टेज होगा। तो वोल्टेज डिवीजन रूल से तुरंत यहां का वोल्टेज निकल सकता है और तुरंत यहां का वोल्टेज निकल सकता है, चीजें क्लियर है। तो एक चीज ध्यान रहे कि करंट डिवीजन रूल आपको देखने से क्या लगेगा, करंट वहां पे डिवाइड होगा जहां ब्रांच बटेगा, नहीं तो एक ही ब्रांच चाहे रेजिस्टेंस कितना भी, एक ही सर्किट में देखो ये यहां ये यहां ये यहां कितना भी रेजिस्टेंस हो, तो यहां पे करंट नहीं बटेगा, जो करंट यहां गुजरेगा वही करंट यहां तक निकलेगा। तो यहां सीरीज सर्किट में करंट कभी बटता नहीं, तो सीरीज पैरेलल का भी एक टॉपिक रह जाएगा हमारा, वो भी करना है, ठीक से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बेसिक आप तभी तक कर सकते हो जब तक नोडल एनालिसिस तक नहीं पहुंच जाए, समझना तब तक आपका बेसिक चल रहा है, उससे पहले कहीं ना कहीं क्वेश्चन में अटकते फटकते जाओगे। लेकिन जिस दिन मेस एनालिसिस आपको खत्म कर दूंगा, नोडल एनालिसिस खत्म कर दूंगा, यकीन के साथ कहता हूं कोई क्वेश्चन आपसे बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए, तो करंट इस तरीके से सीरीज में हो, तो सीरीज में करंट बटा नहीं, तो सीरीज में क्या कभी करंट डिवीजन रूल लगेगा, कभी नहीं लगेगा। कहां लगेगा, जहां पे ब्रांच बटता है, जहां ब्रांच बटेगा तो ब्रांच बटेगा तो करंट बटेगा। सिंपल वे में समझिए, मैं एग्जांपल ही लेके हमेशा किया हूं। सपोज दैट यहां से पानी आ रहा है, अगर एक ही पानी का ब्रांच ऐसे ही चला जाए तो क्या हुआ, सेम पानी चले जाएगा, वही उतना ही अमाउंट का पानी जाएगा। लेकिन अगर उस पानी के लिए दो डायवर्जन मिल जाए तो बटेगा, तो करंट डिविजन रूल वहीं लगेगा जहां पर ब्रांच बटेंगे, सीरीज सर्किट में कभी नहीं लगेगा, ठीक है। वैसे ही वोल्टेज डिविजन रूल कभी भी जो लगेगा वो कैसा लगेगा, ये देखिए इस तरीके सीरीज सर्किट में, अगर इतना है तो यहाँ कितना खपत होगा और यहाँ कितना खपत होगा, चीजें क्लियर है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल सीरीज सर्किट में इस तरीके से लगते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से लगते हैं, कभी पैरेलल सर्किट में नहीं लगेगा। पैरेलल सर्किट कहे तो जैसे कि यहाँ
यहाँ जितना वोल्टेज है पैरेलल में वोल्टेज हमेशा उतना ही होगा, यहाँ अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना होगा 10 वोल्ट। तो पैरेलल में कभी क्या होता है वोल्टेज डिवीजन रूल लगता नहीं है क्योंकि जितना वोल्टेज है उतना ही होगा। ये बेसिक थॉट्स मैं बता रहा हूँ ताकि चीज़ें हम यहाँ अभी बताएंगे और होता क्या है। अब सुनिए, ये तो मैं एक तो बेसिक थॉट बताया, अब आपको बताता हूँ एक्चुअली करंट डिवीजन होता क्या। अभी ये एक तरीके से टेलर था, आप ये समझिए, अभी मैं आपको इस चीज़ों के बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझाता हूँ एक्चुअली होता क्या है करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। आइए क्यों पढ़ते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। सपोज दैट एक सर्किट लिया हमने, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझना इस चीज को। ये इस तरीके से ब्रांच आ रहा है, आगे सर्किट और जा रहा होगा, अगर किसी को लेना है तो ये भी ले लो, है ना, आगे सर्किट और जाएगा। कह रहा है कोई यहां से करंट आई आ रहा है, कोई कह रहा है यहाँ से करंट आई आ रहा है, यहाँ का रेजिस्टेंस आर है ना, यहाँ का रेजिस्टेंस आर वन है, यहाँ का रेजिस्टेंस आर टू है। अलग अलग के लिए लेता हूँ, सेम वैल्यू को लेता हूँ, हमको पता ही है बढ़ जाता है दो भागों में, फॉर्मूला भी लगाएंगे तब भी चीज़ें वही आ जाएगा, ठीक है ना। अब समझिए करंट यहाँ से आई आ रहा है तो रेजिस्टेंस से गुजरेगा तब भी करंट क्या होगा, क्योंकि सीरीज में है तो करंट अब भी करंट वही रहेगा। ये दिमाग में रहे, कभी भी करंट एक रेजिस्टेंस से गुजरेगा तो करंट कि गति कम हो सकती है रेजिस्टेंस के कारण, लेकिन करंट उतना ही गुजरेगा। सपोज दैट समझिए, यानी कोई पानी आ रहा है, बहुत अच्छे समझिएगा, कोई पानी आ रहा है और कहीं ये दबाव आ गया बीच में और फिर आगे ऐसा है तो क्या होगा। देखिए पानी जितना जा रहा था इसके कारण प्रेशर बनेगा, यहाँ पानी की गति ज़्यादा हो जाएगी, क्या होगी पानी गति ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आगे फिर पानी तो उतना ही जाएगा। अगर 10 लीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है यहाँ पे, तो देखिए जितना पानी आ रहा है उतना यहाँ पे कम एरिया है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर स्पीड बढ़ जाएगा इसका, ठीक है ना, लेकिन पानी तो उतना ही जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो सीरीज में जितना पानी आ रहा उतना ही जाएगा, तो सीरीज सर्किट में करंट हमेशा सेम होता है। अरे पानी को भी तो धारा बोलते हैं, बहुत जगह बोलते हैं कि नहीं पानी को करंट बोलते हैं, करंट पानी की करंट बहुत ज़्यादा है, यानी धारा बहुत ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, तो फ्लो ऑफ आपका क्या हो गया इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना करंट क्या एक तरीके से वाटर ही तो है, धारा है, करंट क्या एक धारा है, हिंदी में धारा ही बोलते हैं। तो ट्यूब कहीं पतला और मोटा हो सकता है, लेकिन जितना पानी आ रहा है ना वो इसी से आएगा और इसी से जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ ट्यूब कम हो गया तो अब पानी जो है हमारा यहाँ तक आया 3 लीटर पर सेकेंड और यहाँ से चला जाएगा कुछ और, वो चीज़ नहीं होगा। पानी जितना आ रहा है उतना ही पानी जाएगा और यहाँ मेंटेन करने के लिए थोड़ी गति ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी गति, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, वाटर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि ट्यूब चिपका हुआ वहाँ पे। सेम वही होता है, यहाँ पे अवरोध उत्पन्न हो रहा है, करंट का अवरोध उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जितना करंट यहाँ पे जाएगा उतना ही करंट यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। सीरीज में कभी करंट बढ़ता नहीं, सीरीज में करंट वही होता है। हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस से आपके चीज़ें बहुत क्लियर होंगे। चलिए अब यहाँ पे जैसे आए दो रास्ता बट गया, बोलिए रास्ते वन वे वन और ये वे टू, अब करंट बटेगा, बटेगा कि नहीं, दो ब्रांच जैसे ही बन गया तो करंट बटा। तो करंट डिवीजन रूल हमेशा कहाँ लगेगा, जहाँ पे ब्रांच बटता है। करंट डिवीजन रूल कहाँ लगेगा, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट के अंदर क्या होता है ये लगता है, देखिए पैरेलल सर्किट है ना तो ब्रांच में बट गया, तो इस तरीके से आप कह सकते हो ये हमेशा कहाँ होगा, पैरेलल सर्किट में लगता है। जहाँ से पैरेलल सर्किट है, देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल है ना, तो पैरेलल है तो इस नोड से करंट बटना शुरू करेगा, या ब्रांच जहाँ पे दिखेंगे, ब्रांच अगर नंबर ब्रांच बहुत ज़्यादा होगा, एक यहाँ आया और ब्रांच बट गया तो वहीं पर करंट डिवीजन रूल लगेगा। सपोज दैट आप सोचो ना, यहाँ से अगर कोई चीज़ 3 आ रहा है तो अगर यहाँ पे 1 जा रहा था यहाँ श्योर कितना जाएगा 2, ये तो KCL ही कहता है। तो जब कहता है करंट KCL के थ्रू थ्योरी से कि यहाँ पे KCL के अकॉर्डिंग टू KCL क्या कह रहा है कि I बराबर होगा I1 प्लस I2, तो ये तो आप जान रहे हो, ये आप जान रहे हो KCL के थ्योरी से। अब कई बार क्या दिक्कत हो जाती है, अपने को इस ब्रांच का करंट निकालना है, तो इस ब्रांच का करंट
हम बहुत आसानी से निकाल लेते थे, तब दोनों बराबर रेजिस्टेंस होता था, तो हम कहते थे अच्छा जितना ट्यूब पतला ये है उतना ही ट्यूब पतला ये है, इसका मतलब आधा आधा जाएगा, तो वो तो करना आसान था। लेकिन रेजिस्टेंस अलग, मान लो ये ट्यूब यहाँ से जो पानी जाएगा वो पतला है और यहाँ जो जाएगा वो बहुत मोटा है, तो एक में पानी ज़्यादा जाएगा एक में कम जाएगा। लेकिन आज इस फॉर्मूला से हम ये निकालेंगे कि वो कितना जाएगा, वैल्यू एग्जैक्ट हम बता देंगे, वही है हमारा करंट डिविजन रूल का फॉर्मूला। तो देखिए आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि कोई कह रहा है यहाँ ट्रिक है, ये एक तरीके से ट्रिक है ना, ट्रिक्स है कैसे हम करें इस चीज को। देखिए आई वन कहता है कि हमारा जब भी करंट निकालना होगा, क्या कह रहा है, हमारा जब भी करंट निकालना होगा तो ये कीजिए टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस, ये वाला अपोजिट जिस भी ब्रांच में जा रहे थे उसके पैरेलल में कौन सा है, ये हमेशा टू सिमिलर ब्रांच के लिए वैलिड होगा, दो पैरेलल ब्रांच के लिए वैलिड होगा, ध्यान रखिएगा। अगर इस दो ब्रांच के लिए मैं लगा रहा हूँ तो क्या होगा, इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस बट अ टोटल रेजिस्टेंस, तो इसको कभी नहीं जोड़ना, यहाँ जो करंट जो बट रहा है उस ब्रांच को जोड़ना है, चाहे यहाँ पे एक और होता तो ये दोनों मिलके एक जोड़ते और इसको ये जोड़ते, क्लियर है चीज़ें। यानी जो करंट यहाँ तक आ चुका है उसका जो डिवीजन है, जितने रेजिस्टेंस में डिवीजन है उसको जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया टोटल में आर वन प्लस आर टू, दिस इज द करंट डिवीजन रूल, ठीक है ना। सिमिलर इसको अगर लैंग्वेज में लिखूं तो कैसे याद रखते हैं लैंग्वेज में, देखिए बोलते हैं इसको टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा, हमेशा ध्यान रखिए जिस ब्रांच में दूसरे ब्रांच में जो बट रहा है वो वाला अपोजिट, ये इधर जा रहा है तो दूसरे अपोजिट वाला रेजिस्टेंस बटा टोटल रेजिस्टेंस बटा टोटल रेजिस्टेंस, क्लियर है चीजें, ये इसका मतलब होता है। तो दिमाग में हमेशा रखना है इसका करंट निकालना है तो टोटल करंट जितना यहाँ आने से पहले बट रहा था वो करंट, ये वाला आने से पहले है ना, बटने से पहले जो करंट था वो करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस बटा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रहे। अब सोचिए ना नॉर्मल करंट इनटू रेजिस्टेंस इनटू रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस का यूनिट रेजिस्टेंस और ये भी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या करंट, तो आई वन एक करंट का ही यूनिट है, करंट रह जाएगा। चलिए आई टू की बात करूँ, आई टू भी बोलेगा जिसमें निकाल रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, तो बोले टोटल करंट क्या है आई इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस इसके लिए अपोजिट कौन होगा आर वन इंटू आर वन बट टोटल कह रहा, तो टोटल कितना ब्रांच में बट रहा है, एक ही ब्रांच, तो यहाँ है आर वन और यहाँ कितना है आर टू, यहाँ आर वन प्लस, बस ये निकल जाएगा। तो काफ़ी क्वेश्चन में तो बस यही सब लगता है और ये सब अंडरस्टूड होते हैं, ये सब की कोई गिनती नहीं होती, लेकिन ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा आपको, ये आपको दिखा ही नहीं है ना, यहाँ तक तो दिख गया, आई वन के लिए नहीं दिखा, अब आई टू के लिए नहीं दिखा, आई टू के लिए मैं क्या करूं, देखिए आई टू को मैं यहाँ पे बता देता हूँ इस जगह पे, आई टू के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, दिख रहा है ना यहाँ पे, नहीं दिख रहा, देखिए आई टू को मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, चूंकि आप लोगों को दिख नहीं रहा, आई टू इज इक्वल टू क्या होगा टोटल करेंट, देखिए ये आई इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है इंटू अपोजिट, इसमें से निकालना हो तो अपोजिट रेजिस्टेंस आर वन बट टोटल रेजिस्टेंस दो ब्रांच में बट रहा है आर वन प्लस आर टू, ये हो गया हमारा टोटल वैल्यू, ठीक है ना, आर वन एक ब्रांच के लिए और दूसरे ब्रांच के। चलिए नेक्स्ट निकालता हूँ वोल्टेज डिवीजन रूल में, समझिएगा अभी बारीकी से सब चीज़ बताऊँगा मैं, सीरीज में तो करंट तो सेम रहेगा, यहाँ अगर कोई करंट आई भेज रहा है तो करंट तो सेम रहेगा, तो सर्किट में बटेगा क्या वोल्टेज, सर्किट सीरीज सर्किट में, ये कैसा सर्किट है सीरीज सर्किट है, तो वहाँ पे वोल्टेज बटेगा, यहाँ पे V अप्लाई है तो यहाँ पे अगर V1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा V2, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है और यहाँ पे R2 है, इट इज यहाँ एप्लीकेबल, ये एक सर्किट कहाँ पे एप्लीकेबल होता है वोल्टेज रो, एप्लीकेबल इन सीरीज सर्किट, ये हमारा सीरीज सर्किट है ना, सीरीज सर्किट में एप्लीकेबल होता है। तो अब सीरीज सर्किट में देखिए यहाँ पे वोल्टेज बोलता है कि वोल्टेज V है, तो बताइए यहाँ पे कितना होगा, तो हम यहाँ पे V1 के लिए बात करेंगे अब, ठीक है V1 के लिए बात करेंगे, तो देखिए V1 की जब बात की जाए तो कह रहा है टोटल वोल्टेज, जब वोल्टेज की बात आए तो देखिए टोटल वोल्टेज इनटू जिसमें ब्रांच में निकाल रहे हो ना इस वोल्टेज में, तो उसी का वोल्टेज
टोटल वोल्टेज इन टू उसी का रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस के टर्म में ना, उसी का रेजिस्टेंस बट टोटल रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू, ये हो जाएगा आपका तो वी वन पहले वाला सर्किट के लिए, ठीक है ना। चलिए वी टू क्या हो जाएगा हम बात कर लेते हैं। इसका वोल्टेज अगर निकालना हो तो कहता है टोटल यहाँ का वोल्टेज निकालना हो तो आपके पास रेजिस्टेंस है और यहाँ का सप्लाई वोल्टेज है, तो कहिएगा सप्लाई वोल्टेज यानी टोटल वोल्टेज इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा, सॉरी सेम रेजिस्टेंस आर टू, इसमें सेम होता है वोल्टेज वाले में सेम होता है, एक बार मैं लिख देता हूँ, बाय आर वन प्लस आर टू, बाय आर वन प्लस आर टू, यहाँ तक तो दिख रहा है ना, ठीक है। समझिए उल्टा होता है, यहाँ क्या होता है इस ब्रांच से आने वाला टोटल, इससे पहले टोटल करंट, जैसे इसका निकालने तो टोटल करंट सर्किट को देख के पता चाहिए, यहाँ जब भी निकालने करंट तो टोटल आने वाला करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस बट टोटल रेजिस्टेंस, इसी का, इसको नहीं जोड़ना है कभी, इसी का जोड़ना है। फिर यहाँ पे ये होता है, लेकिन यहाँ पे जब इसका निकालने सपोज दैट वी वन, तो टोटल सोर्स वोल्टेज ठीक है इनटू सेम रेजिस्टेंस, यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पे क्या होता है अपोजिट रेजिस्टेंस, यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस बट टोटल रेजिस्टेंस, यानी इसको और लिखूँ मैं तो टोटल वोल्टेज लिखने के टर्म में टोटल वोल्टेज जितना चला था सोर्स से इनटू सेम ब्रांच जिसमें आप निकाल रहे हो सेम ब्रांच रेजिस्टेंस इनटू सेम ब्रांच रेजिस्टेंस, यहाँ पे लिखा हूँ सेम ब्रांच रेजिस्टेंस, अगर नहीं दिख रहा हो तो सेम ब्रांच रेजिस्टेंस जिसका निकाल रहे हैं उसी का रेजिस्टेंस बट टोटल रेजिस्टेंस, बट टोटल रेजिस्टेंस, बटा टोटल रेजिस्टेंस। तो ये होता है करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल, इसको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम क्वेश्चन से भी सॉल्व करेंगे और ये चीज़ें आपको आसानी से हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका बढ़िया से, ताकि आप इसको नोट डाउन कर सके बढ़िया से, ठीक है ना। अब हम इस पर क्वेश्चन बेस्ड एक लेके दिखाते हैं कि किस तरीके से करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल एप्लीकेबल होता है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन लिया हूँ एक, देखिए एक टोटल करंट यहाँ पे आने वाला है हमारा 15 एम्पियर, पहला ब्रांच में है 5 ओम रेजिस्टेंस, दूसरा में 10 ओम, पूछ रहा है इस ब्रांच का करंट बताइए, I1 बताइए। जब I1 पूछेगा तो बताइए समान तो रेजिस्टेंस है नहीं कि आधा आधा बांट देंगे, 7.5 एम्पियर 7.5 एम्पियर, यहाँ पे कितना दिया हुआ है I1, तो I1 में हम जानते हैं टोटल करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस आर टू बट टोटल रेजिस्टेंस आर वन प्लस R2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल करंट आने वाला के ब्रांच से कितना था 15 इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 10 बटा टोटल दोनों मिलकर कितना है 15, ये कैंसिल आउट हो गया तो बचा कितना 10 एम्पियर। और I2 बराबर क्या होगा, I2 का निकालना है तो आप समझिए यहाँ दो लॉजिक है, एक निकाल लेते हैं दूसरा क्या करते हैं, या तो इस फॉर्मूला से निकालिए या फिर मुझे पता है आने वाला 15 है, एक में चला गया 10 तो दूसरे में कितना जाएगा 5, फॉर्मूला से ऐसे 5 तो हमको यहीं से पता चल गया, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला से भी निकालना है तो निकालिए, क्या ये दिख रहा है, क्या यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलिए फॉर्मूला से निकालना है तो टोटल करंट कितना है 15 इनटू इस ब्रांच में निकालना है तो अपोजिट का कितना लेना है 5 बट टोटल रेजिस्टेंस कितना है 15, 5 प्लस 10 जोड़ के है ना, तो कितना हो गया 15 कैंसिल, कितना बचा 5 एम्पियर निकला कि नहीं। तो केसीएल से ये हमने निकाल दिया, किससे, केसीएल से, क्योंकि मैं जान रहा हूँ इधर पता है, इधर पता है तो इधर तो अपने आप निकल जाएगा, तो चीज़ें हैं 5 एम्पियर निकल गया ना, यही होता है करंट डिवीजन रूल। अब यहाँ पे कुछ समझने का चीज़ है, देखिए जब करंट आ रहा था तो दो ब्रांच में बटा, जहाँ रेजिस्टेंस कम था करंट वहीं जाएगा, अरे जिसको जो प्रतिरोध कम करेगा वहीं करंट जाएगा। तो 5 एम्पियर रेजिस्टेंस वाला में देखिए, 5 ओम रेजिस्टेंस वाला में, 5 ओम रेजिस्टेंस वाला ये है हमारा I1, उसमें करंट क्या हुआ है कितना गया है 10 एम्पियर, ये देखिए कितना गया है 10 एम्पियर, यही लिखा हुआ है ना 10 एम्पियर गया है। लेकिन जहाँ प्रतिरोध ज़्यादा था, जिस ब्रांच में 10 ओम का प्रतिरोध है, कह रहा हम ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे, तो जब ये ज़्यादा रेजिस्ट करेगा तो ऑब्वियसली इसमें कितना करंट गया होगा 5 एम्पियर, देखिए कितना गया है 5 एम्पियर। तो ये भी चीज़ एनालाइज करने की है, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल डाटा निकाल दिए अपना काम बन गया, ये सब चीज़ समझने का होता है कि क्यों यहाँ पे सिर्फ 10 एम्पियर गया और यहाँ पे 5 एम्पियर गया। रीज़न ये था, जब यहाँ से करंट बटा तो इसको दो तरीके का रास्ता दिखा, एक 5 ओम का, दूसरा 10 ओम का, एक ज़्यादा विरोध कर रहा था एक कम विरोध कर रहा था, तो जो कम विरोध किया उसमें ज़्यादा करंट गुजर गया और जो ज़्यादा विरोध कर रहा था उससे कम विरोध किया, कम करंट गुजरा। अब समझिए जब दोनों बराबर होता है तो बोलता है दोनों तरफ तो सेम ही काम हो रहा है, चलो बड़ा आधा आधा बढ़ जाते हैं, तो ये सीन होता है, ठीक है। चलिए वोल्टेज डिवीजन रूल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं सर्किट को, देखिएगा सर्किट में क्या है, 5 ओम 10 ओम सप्लाई वोल्टेज दिया हूँ 15 वोल्ट, समझिएगा 5
ओम 10 ओम सप्लाई वोल्टेज ये। तो एक चीज समझिए, यहां क्या होता है, यहां क्या होगा, चूंकि सीरीज में करंट तो सेम होता है, करंट सीरीज में सेम निकला, लेकिन सेम करंट निकला तो प्राइमरी पहला वोल्टेज देखिए कम रेजिस्टेंस रहने पे क्या होता है, वोल्टेज कम हो जाता है। यहाँ पे ये चीज समझना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अरे सीरीज में करंट दोनों के लिए सेम, भाई ये कहता है करंट कि हम तुमको भी उतना ही देंगे, तुमको भी उतना देंगे। अब जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसी का ना वोल्टेज कम हो जाएगा, और जिसमें सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए बल्ब के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, आगे कंपटीशन में देखोगे तो आपको पता चलेगा। चलिए यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें समझिएगा। वोल्टेज डिविजन रूल में वी वन के लिए अगर बात की जाए, कहेगा वी वन का वोल्टेज, तो कहेंगे टोटल वोल्टेज बताइए सबसे पहले सप्लाई में कितना जा रहा था, 15 इंटू सेम ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है जी, 5 बटा टोटल रेजिस्टेंस कितने में बट रहा है ये वोल्टेज, 2 में, किस में, 15 में। तो यहाँ भी काटेंगे तो कितना हो गया, 5 वोल्ट। इस बार क्या हुआ, कम रेजिस्टेंस में कम ही वोल्टेज ड्रॉप हुआ, क्यों, क्योंकि करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस का गुणनफल वोल्टेज होता है, करंट दोनों में सेम जा रहा है, तो जहां रेजिस्टेंस कम वहां पे वोल्टेज कम, ठीक है ना। और कोई कहेगा V2 बता दो भाई, तो V2 के लिए अगर कोई बात करेगा तो यहाँ पे देखिए V2 के लिए क्या होगा, टोटल वोल्टेज, ये देखिए टोटल कितने वोल्टेज ये था, इनटू उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, जिसमें निकालना है उल्टा होता है, उसी जिसमें निकालना है उसी का रेजिस्टेंस देखते हैं, किसके केस में, वोल्टेज डिविजन के केस में, बट टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 15। तो ये इनसे कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा जी, 10 वोल्ट, कितना बचा, 10 वोल्ट। तो एक में हुआ 5 वोल्ट और दूसरे में हुआ 10 वोल्ट ड्रॉप, और होना भी चाहिए, केवीएल कहता है जितना हम दिए हैं उतना ही होना चाहिए ड्रॉप, तो 5 और 10 15 वोल्ट हो गया, सोर्स भी 10 है, सॉरी 15 है, तो ये भी 15 वोल्ट है, ये भी 15 वोल्ट, यानी केवीएल को फॉलो कर लिया सर्किट, ठीक है। यहाँ से देखिए हमने रेजिस्टेंस 5 लिया, यहाँ 10 लिया, यहाँ करंट कितना जा रहा था, 10 एम्पीयर, यहाँ करंट कितना जा रहा है, 5, तो दोनों मिलकर कितना में बटा है, 15 में, और आ कितना रहता, 15, तो इस नोड पे केसीएल भी लग गया। तो ये सब चीज़ें आपको एनालाइज करना होता है, जो कि चीज़ें आपको काफ़ी माइंड में बूस्ट अप करता है, चीज़ें स्ट्राइक करता है कि चीज़ों को कितने तरीके से सोच सकते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपको लगेगा कि वाकई कितना किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लिमिटेशंस हैं कि कितना करना है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा कराएंगे इन फ्यूचर, ओके। तो यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, आगे हम फिर क्लास में देखेंगे करंट सोर्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक, हैव अ नाइस डे।